हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा को अंडरस्टैंड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए रेक्टेंगल हैज ए पेरिमीटर ऑफ 40 मीटर्स, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कैसे हम प्रैक्टिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया पता लगाते हैं बाई मेकिंग यूज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो हम लोग देखते हैं। सो यहां पर हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 times x plus y। तो मान लीजिए जैसे ही आपके पास रेक्टेंगल है, यू हैव गॉट ए रेक्टेंगल लाइक दिस, ठीक है। इसकी ब्रेथ मान लीजिए x है और लेंथ इसकी y है, तो x plus y plus x plus y ये जोड़ दें तो पेरीमीटर आ जाएगा, या फिर 2 times ऑफ x plus y इज पेरीमीटर। और इन्होंने पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू दे हैव सेड इज 40 मीटर्स। सो देयरफॉर हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, 2x plus y इज इक्वल टू 40। इसका मतलब x plus y की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी 20। और इसमें हम y को क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस एक्स, ओके। सो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई y की वैल्यू x के टर्म्स में। अब आपको पता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को अगर हम a से रिप्रेजेंट करते हैं तो एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ या ब्रेथ इनटू लेंथ। सो एरिया इज इक्वल टू x इनटू y। यहां पर दो वेरिएबल ला रखे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। सो यहां पर एरिया को हमने लिख दिया x की जगह x, और y किसके बराबर था, 20 माइनस x के, तो y की जगह लिख दिया 20 माइनस x, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप पे फॉलोस दैट एरिया कैन आल्सो बी रिटन एज 20x माइनस x स्क्वायर। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें एरिया जो कि x के टर्म्स में भी आ गया, हमें एरिया की मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है। तो वो जो हमने मैक्सिमा मिनिमा में सीखा था, क्या सीखा था बच्चे, हमने सीखा था कि जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा पता लगाना है तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। जिस इक्वेशन को हमें मैक्सिमाइज करना है या जिस पैरामीटर को हमें मैक्सिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। सो यहां पे पहला स्टेप फाइंड डी ए ओवर डी एक्स, ठीक है। सो इसको डिफरेंशिएट किया, यह आ जाएगा 20 माइनस 2x। तो इसके बाद जैसे आपको बताया था फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें पता है डी ए ओवर डी एक्स को किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर। सो देयरफॉर हमने यहां पे 20 माइनस 2x को किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर। सो यह आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 20, यानी कि 2x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ठीक है। x की वैल्यू अब आ गई 10 मीटर्स के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम अब देख सकते हैं एरिया, वापस आ जाइए यहां पर। सो एरिया विच वॉज इक्वल टू, नो एक काम और करते हैं यहां पर। वैसे तो जब इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम फाइंड आउट करिए तो x की इस वैल्यू पर मैक्सिमम ही होगा, लेकिन आपने ऑलरेडी सीख रखा है कि जब डिफरेंशिएट करके ये x की वैल्यू हमने बदल गई, इस पर मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है। तो कंफर्म कर लेते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम। सो अगला स्टेप मैक्सिमम और मिनिमम ये कंफर्म कर लेते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम कंफर्म करने के लिए हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये चीज को डिफरेंशिएट करना है, सही है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे केवल अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में माइनस साइन माइनस लगा लेते हैं, 2 सामने रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू, जब x इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब यहां पे केवल आ जाएगा -2। नाउ डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 और नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 10 a विल हैव इट्स
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बेटे, ए विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये पता लगा लेते हैं। सो देयरफॉर ए मैक्स विल बी इक्वल टू, ये है आपकी ए की एक्सप्रेशन। सो यहां आपने 20 की जगह 20 और x वाली जगह पे क्या डाल दिया 10, और इसी तरह से माइनस दोबारा से x वाली जगह पे क्या डाल दिया 10 स्क्वायर ऑफ दिस। सो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 200 माइनस 100, सो दैट विल गिव यू 100 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर मैक्सिमम एरिया इज, मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। सो मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमें मिल गया 100 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में एक और एग्जांपल लेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।